हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव। स्वागत है आपका भक्कम नॉलेज चैनल पर। आज हम वीवो Y30 जो कि एक MTK CPU वाला डिवाइस है, इसका पैटर्न, पिन, फेस लॉक, जो भी लॉक है, इसको हम आज रिमूव करेंगे UMT टूल, अल्टीमेट मल्टी टूल के माध्यम से, और इसका FRP भी रिमूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से अल्टीमेट मल्टी टूल MTK को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट मल्टी टूल MTK ओपन हो गया है। इसमें टूल FRP सेलेक्ट करके हम मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। मॉडल है हमारा वीवो और ये है Y30। तो ये सेलेक्ट हो गया। अब चलिए हम इसको FRP पैटर्न पिन सब अनलॉक करके देखते हैं। सबसे पहले हम कहाँ करें इसमें इतने सॉरी ये ऑप्शन तो इसमें दिए हुए हैं। ये यहाँ पर रीड पैटर्न भी दिया हुआ है और क्या है इसमें मीटा से रिबूट करके मीटा के माध्यम से भी इसका अनलॉक कर सकते करके दिया हुआ है, लेकिन देखते हैं कौन सा मेथड इसमें काम करता है। रीसेट लॉक्स वीवो, इसको पहले अपन करके देखते हैं। ये मैंने दबा दिया है, मोबाइल को कनेक्ट किया। यहाँ पर मोबाइल को प्री लोडर मोड में कनेक्ट करना होता है। प्री लोडर मतलब वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम डाउन को एक साथ बटन को दबा कर यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो ये प्री लोडर मोड में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, तो चलिए दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। अब हम ट्राई करते हैं फॉर्मेट FS वाला मेथड। फॉर्मेट FS में हम डू का दबा देते हैं और प्री लोडर मोड में फिर से कनेक्ट करते हैं। वॉल्यूम प्लस डाउन को एक साथ दबा के USB केबल लगा देते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये मोबाइल कनेक्ट हो गया है और आगे तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें। स्टॉप कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा इसमें। चलिए दूसरा मेथड ट्राई करता हूँ इसमें मैं। मेरे ख्याल से आप मीटा मोड में करके इसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। तो मीटा मोड के लिए मैंने ये रिबूट का ऑप्शन दबा दिया है और मैं इधर डिस्प्ले में भी दिखा देता हूँ मोबाइल को कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। पहले इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ मैं। अब वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम अप डाउन को एक साथ दबा के इसमें USB केबल को लगाता हूँ मैं। ये मैंने केबल लगा लिया है। अब देखते हैं स्क्रीन पर क्या आता है। अच्छा, ये यहाँ पर फेल्ड हो गया है क्योंकि इसमें लीव USB डिवाइस नॉट फाउंड ऐसा आया है। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वाला जो ड्राइवर है वो आपको UMT सपोर्ट में मिल जाता है। तो ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको मैं रीइंस्टॉल करूँगा। आप जब MTK मल्टी टूल का जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो उस समय ये लीव USB ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर काम ना करे तो इसको अलग से डाउनलोड करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने लीव USB ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं फिर से करके देखता हूँ मीटा मोड से कि ये फिर से होता है कि नहीं होता। चलिए ये मैंने कनेक्ट कर लिया, अब ये क्या बता रहा है देखते हैं। ये कंप्लीट होने को है लेकिन ऑपरेशन फेल्ड हो गया है। ऑपरेशन फेल्ड हो गया है मीटा मोड में होने के बावजूद भी ये फॉर्मेट FS नहीं हुआ है ना। तो चलिए इसका दूसरा तरीका भी अपने पास है, तो इस तरीके से भी नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर ये अल्टीमेट टूल को बंद करके फिर से चालू करता हूँ। और फिर से चालू करने के बाद मैं पहले चालू होने दो।
ये हमारा अल्टीमेट मल्टी टूल चालू हो गया है और हम जाएंगे MTK वन क्लिक ऑप्शन पे, MTK वन क्लिक ऑप्शन। हाँ, यहाँ पे जाएंगे। पहले हम टूल FRP ऑप्शन में गए थे, अभी हम MTK वन क्लिक ऑप्शन में जाएंगे। और ये यहाँ पे रेड इन्फो और रीसेट फॉर्मेट, इसमें चेक लगा देते हैं और रीसेट FRP में भी चेक लगा देते हैं और फॉर्मेट FS में भी रहने देते हैं इसको, है ना। ये फॉर्मेट FS में रहने देते हैं और एग्जीक्यूट बटन को यहाँ पर जो नीचे राइट साइड में एग्जीक्यूट बटन है, इसको हम क्लिक करके मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर भी हमको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को दबा के USB केबल के थ्रू मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा सक्सेस करके आया है और FRP रीसेट फेल्ड बता रहा है, लेकिन फिर भी इसका FRP रीसेट हो जाता है इस मेथड से। तो चलिए हम अपने मोबाइल को चालू करके देखते हैं कि इसका FRP और पैटर्न लॉक इसका हटा है कि नहीं हटा है। तो आइए हम अपने मोबाइल की ओर चलते हैं। तो ये हमने सक्सेसफुली अपना पैटर्न और पिन और जो भी है लॉक उसको हटा लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।